Hi guys, welcome to Planet of English. Well, my name is Adhithan Sharma, and here we are with a new and amazing session on a close test. So students, हम लोग जैसे कि daily mock test series लगा रहे हैं। आज इसमें हम लोग जो हैं, बात करेंगे बचालो close test की। तो आप लोग जानते हैं सीडीएस में क्लोज से सीधे-सीधे दस क्वेश्चंस लेके आने वाला है आपका ओके okay, तो शुरुआत करने से पहले फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो मी आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं विल माय नेम है सिद्धांत शर्मा दिस आर माय क्रेडेंशियल्स ओवर हियर ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव इसको यूज करते हुए आप अवेल कर सकते हैं अप टू अप टू 23% डिस्काउंट 23% से भी प्लस ठीक है तो स्टूडेंट्स ये मेरा refer, ये मेरा प्रोफाइल लिंक है यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी आप मेरा कोई भी अपडेट जो है मिस नहीं करेंगे ओके okay, तो स्टूडेंट्स अन अकेडमी प्लस पे आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं बहुत अमेजिंग ऑफर्स एंड बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं आप लोगों के लिए आपको सब बता देता हूं मैं पहले जो तो भाई साहब

हमारा एक फ्रेश न्यू बैच ट्वेंटी नाइन ऑफ डिसम्बर लाइव जा रहा है जिसका नाम है जी मंजिल सी डी एस वन अंप्लीट बैच को योर ट्वेंटी थ्री एग्जाम जो कि स्केड्यूल्ड है सिक्सटीन ऑफ अप्रैल को इसका नोटिफिकेशन आउट है इसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं ये इसका लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस बैच में मैं इंग्लिश लूंगा विशाल सर इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स लेंगे और श्री प्रतीक सर पॉलिटी एंड जोग्राफी लेंगे सुनील कुमार गुप्ता सर आपके जो है हिस्ट्री लेंगे और संदीप कुमार सर मैथ्स लेंगे श्याम शर्मा सर साइंस लेंगे ठीक है तो एवरी वन विल बी देर एट योर सर्विस ओके तो स्टूडेंट्स एनरोल ना हो बस मेरा रेफरल कोड ध्यान में रखिएगा माई रेफरल कोड एज सिद्धांत लाइव ओके okay, जी तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हुए ऑफर्स की बात करें, तो भाई साहब रिजॉल्व ट्वेंटी थ्री न्यू ईयर आ गया ना तो यू विल गेट अपू ट्वेंटी थ्री परसेंट डिस्काउंट ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस, ठीक है बस मेरा कोड ध्यान में रख लीजिएगा माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव ठीक है इस कोड को अगर आप यूज करते हैं तो आप लोगों को मिल जाएगा ट्वेंटी थ्री परसेंट तक का डिस्काउंट इससे भी ज्यादा राइट तो ये कॉस्ट स्ट्रक्चर देखिएगा ठीक है करेंट गा प्राइस इतना था कल कल के दिन ये नाइन 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 था ठीक है और आज ये सेवन सिक्स डबल नाइन है ठीक है इस पर मेरा कोड लगा के देखिएगा और बेनिफिट होगा राइट तो स्टूडेंट ये सभी सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट आप देख सकते हैं एंड दिस ऑफर इज वैलिड टू योर सी कैटेगरी फ्लैट ट्वेंटी थ्री परसेंट डिस्काउंट है, डिस्काउंट है वो भी वो भी अपडेटेड कॉस्ट पे जो जैसे सोलह हजार से हम दस हजार पे लेके आए थे उस पर भी ट्वेंटी थ्री परसेंट डिस्काउंट है इससे सस्ता अब और कुछ नहीं हो सकता है गाइस न्यू ईयर से पहले

ब्रॉडली स्पीकिंग एजुकेशन एम्स टू डैश टू ऑब्जेक्टिव पहली बात तो मेरे दिमाग में जो स्ट्राइक कर रहा है वो है एम्स आर्ट आर्ट राइट कि एम समथिंग होता है थोड़ा हाई लेवल है इसके पांच ही क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग ठीक है तो बट uh, अब क्या करें एम्स के बाद टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो अचीव आ सकता है आ सकता है रिपीटेड ईडी आ गया यहाँ पे मार्क ही शायद मेरे पीछे छुप क्या होगा मार्क मार्क विल मेक टू तो सेंस अब एम्स टू अचीव एम्स टू डिटरमिन टू ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स गाइस मैं बोलूं मेरा ऑब्जेक्टिव है उसको क्या किया जाएगा गाइस उसको डेफिनेटली आप लोगों को पता है भाई साहब उसको अचीव किया जाएगा डिटरमिन क्यों करेंगे भाई साहब डिटरमिन तो सेंसलेस हो जाएगा है कि नहीं तो स्टूडेंट्स एम्स टू डिटर्मिन टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट इन सच अ अब देखो आपको पता है एंड जो है मेरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ठीक है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो क्या करता है क्या करता है भाई साहब पैरेललिज्म को फॉलो करता है अगर बट होता तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता लेकिन ये सेम सिमिलर से हैगा हैप्पी के जैसा हैप्पी के साथ बोरिंग तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं आएगा हैप्पी एंड चैलेंजिंग भी नहीं है चैलेंजिंग तो भाई साहब और टफ बना दी जाएगी उसकी लाइफ है कि नहीं तो वो सेंस नहीं बनाएगा हैप्पी एंड डैश अब इंटरेस्ट भाई साहब इंटरेस्टिंग होता तो बात सोचते तो यहां पे आएगा मीनिंगफुल आंसर इज क्लियरली और सी पार्ट सेकंड वाले का वेरी गुड बचालो गाइज आप लोग कमेंट में अपना स्कोर नहीं बता रहे हो ठीक है देखो मैं इस सीरीज पे बहुत दम लगा रहा हूं मैं जानता हूं देखो जैसे मैंने, कल तीन तेस, दो, दो तेस ठीक है? मैंने भी और हम सबको देख सके की पे है तीसरा देखते हैं एंड सेकेंडली टू प्रोवाइड हिम विद डैश ऑफ वेरियस डिफरेंट की क्या मनी तो नहीं पैसे तो भाई वो कमाएगा ना यार एजुकेशन से पैसा आ जाता है लेकिन ऐसा तो एजुकेशन आपको पैसा दे रही है ये थोड़ी सा बात बनेगा ठीक है रिस पावर अगेन मेक्स नो सेंस नॉलेज कैन मेक सेंस रिसोर्सेज ऑफ वेरियस काइंड रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हो तो आपके पास रिसोर्सेज हैं भाई इतनी जमी सी नहीं बात है वो आपको भी नहीं जमी होगी राइट right, तो रिसोर्सेज विल मेक नो सेंस ओवर हियर ठीक है तो आंसर इज क्लियरली योर नॉलेज दैट इज योर विच पार्ट गाइज सी पार्ट सिंपल सोबर सा आंसर है यार काहे को टेंशन लेते हो आप लोग ठीक है फोर्थ देखते हैं गाइज वो कैबलरी ओरियंटेड क्लोज टेस्ट है ठीक है आप अगर कहेंगे मेरे पास एक और भी है ऐसा उसको भी करवा दूंगा आप लोगों को लेकिन हाँ पांच सात आठ दस मिनट का सेशन हम मोनोटनस नहीं बनाना चाहते हैं कि भाई डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का सेशन डाल दो फिर बच्चा उसको देखे या ना देखे वो अलग बात है नहीं ऐसा नहीं ठीक है अब द नॉलेज इम्पार्टेड बाई एजुकेशन एम बॉडीज देश अब देखिए नॉलेज जो एजुकेशन आपको देती है इमेंस डैश एक्वायर्ड बाय द ह्यूमन रेस थ्रू एजेस ठीक है क्या एक्वायर करते हो तुम मतलब टाइम के साथ तुम्हें क्या मिलता है है ना टाइम के साथ का इस तुम्हें क्या मिलता है खुशी मिलती है यार जरूरी थोड़ी ना दुख भी तो मिल सकते हैं कैलिबर ग्रोथ मिल सकती है एक्सपीरियंस मिल सकता है तुम खुद सोचो इस चीज को तुम इस चीज को जो है खुद सोचो कि भाई इमेंस क्या मिलेगा ग्रोथ या एक्सपीरियंस ऑब्वियसली सर टाइम के साथ हम और ज्यादा क्या हो जाते हैं एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आंसर क्या रहेगा जी मेरा डी पार्ट रहेगा एंड क्लियर कट आंसर ठीक है जी तो वेरी सिंपल ओके okay, जी, दिस नॉलेज अगेन कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स ठीक है दो हेड्स के अंडर ये नॉलेज जो है आपकी क्लासिफाई की जा सकती है फर्स्ट पहला कौन सा है रिलेटिंग टू द डैश और रीजनिंग फिर से एंड जैसा ही काम और कर देता है ये या ये मतलब एक जैसी चीज होगी एंडर रिलेटिंग टू स्पीड ऑफ फीलिंग पहला ये रीजनिंग तो इमोशन के साथ तो नहीं ही रहेगा एंड मोर ओवर ये एस वाला फॉर्म है सेंसेस भी नहीं आएगा इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट विल डील विद योर इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट विल डील विद योर इंटेलिजेंस ठीक है तो ये बात हो सकती है बिकॉज रीजनिंग रीजनिंग होता है ना भाई लॉजिकल इंटेलिजेंस देखते हैं आपकी ठीक है हो सकता है ओके okay. स्ट्रेंथ ठीक है रिलेटिंग टू डैश और रीजनिंग तो यहां पे स्ट्रेंथ इसने अगला वर्ड दे दिया है तो स्ट्रेंथ आई डोंट थिंक यहां पे काम करेगा तो ऑब्वियसली आपका काम क्या करना चाहिए यहां पे इंटेलेक्ट तो स्टूडेंट्स दिस वाज रियली इजी अकॉर्डिंग टू मी है ना बहुत ही मजाक सा था बहुत ही इजी सा था क्लोज क्लोजेस्ट ये राइट सो आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट कर दिए होंगे मुझे पूरी पूरी उम्मीद है गाइस ओके okay, तो स्टूडेंट्स अपना 5 में से स्कोर जो है मुझे बताइएगा सेशन शॉर्ट शॉर्ट रखेंगे छोटे चोड़ छोटे बाइट्स आपको देना है यही मेरा इस चैनल पे लॉजिक है शुरुआत से लेके आज तक मैंने ही किया है और ऐसा ही करता जाऊंगा अब वो तो देखिए मैं दो सेशन डालूंगा क्लोज टेस्ट के करवाने को उसको भी यहाँ पे करवा दूंगा लेकिन फिर क्या होता है इसके इम्पैक्ट के तले वो फेड हो जाएगा उसको मैं उसके इम्पैक्ट के तले ये फेड हो जाता है और आप भी बता देना इसको देख के कि, कि क्लोसेस्ट और चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है एंड विल ब्रिंग अप सम ह्यूज टॉपिक्स एज वेल ठीक है तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑफर्स को अवेल कीजिए गाइस मेरा रेफरल कोड ध्यान में जरूर रखिएगा माय रेफरल कोड इज सिद्धांत लाइव सिद्धांत लाइव आप रेफरल कोड यूज कीजिए तो आपको 23% से भी ज्यादा का बेनिफिट अवेल हो जाएगा कल हमारा बैच स्टार्ट है शाम को चार बजे पहुंच जाइएगा थैंक यू सो मच गाइज़ जय हिंद ठीक है गाइज़ बाय